द खबरदार न्यूज के मुख्य संपादक श्री विजय मिश्रा जी निरंतर सामाजिक मुद्दों, राजनीतिक परिवर्तनों और युवा विकास को समर्थन देने के लिए फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव चर्चाओं का संचालन करते हैं। विजय मिश्रा मुखर होकर और जनता के साथ जुड़कर जनता की आवाज बन रहे हैं। वे समाज के हर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। उनसे जुड़ने के लिए हमारे द खबरदार न्यूज फेसबुक और यूट्यूब पर जुड़े। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों से। रीवा जिले में एक किशोरी की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस का कहना है कि मृतका के घर से 150 मीटर दूर अरहर के खेत में शव पड़ा मिला। तुरंत ग्रामीणों ने थाने को सूचना भिजवाई। जानकारी के बाद थाना प्रभारी निरीक्षक गोकुलानंद पांडे दलबल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। घटनास्थल के निरीक्षण में लाश संदिग्ध प्रतीत हुई है। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है। रीवा जिले में कृषि विभाग का एक अफसर निलंबित। दो अधिकारियों के वार्तालाप का ऑडियो आया सामने। वोमेंस अफसर को बोले अपशब्द। एफआईआर भी दर्ज। सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा ने भरा नामांकन। कांग्रेस प्रत्याशी के पास 95 लाख की अचल संपत्ति के साथ 24.5 लाख का कर्ज भी। भोपाल की कालीबाड़ी में दिखी बंगाल की झलक। पान से लगाया माता रानी को सिंदूर, खप्पर से की धूप आरती, फिर जमकर हुआ सिंदूर खिला। विजय वर्गीय अब बोले 1500 वोट से जीता तो मजा नहीं आएगा। बेटे आकाश ने कहा था इंदौर एक में 1 लाख से जीतेंगे, कांग्रेस ने कसा तंज। चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी फूट। 300 कांग्रेसी हुए भाजपा में शामिल। सदस्यता दिलाते हुए सिंधिया हुए भावुक। पूर्णिमा पर चंद्रग्रहण महाकाल में श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। भारत में खंडग्रास के रूप में चंद्रग्रहण दिखाई देगा। कई मंदिरों के पट बंद होंगे। प्रधानमंत्री मालवा से चुनाव प्रचार की शुरुआत उज्जैन से करेंगे। मोदी 30 अक्टूबर को उज्जैन में सभा को संबोधित करेंगे। नवरात्र के नवमी का शुभ मुहूर्त। रीवा से राजेंद्र सेमरिया के केपी और सिरमौर से बीजेपी प्रत्याशी दिव्यराज ने भरा नामांकन। सेमरिया से कांग्रेस के अभय ने भरा पर्चा। इंदौर क्राइम ब्रांच ने पकड़ी 200 ग्राम ब्राउन शुगर। राजस्थान से माल लाने वाले दो तस्करों को किया गिरफ्तार। छतरीपुरा पुलिस के हत्थे चढ़ा ड्रग पैडलर। अब तक लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही मुख्य खबरों के साथ। तब तक के नमस्कार और बने रहें द खबरदार न्यूज पर।